नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में जल्द ही देश के मुखिया आने वाले हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही बिहार आने वाले हैं। अब आप भी सोचेंगे कि आखिर देश के प्रधान बिहार आ क्यों रहे हैं, तो हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पीएम मोदी जल्द ही बिहार विधानसभा के शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन करने के आमंत्रण को स्वीकार कर चुके हैं और वो बिहार आने वाले हैं। हालांकि तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जून में कार्यक्रम रखा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार की शाम नई दिल्ली में आवास पर प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें पटना आकर स्मृति स्तंभ के उद्घाटन का आग्रह किया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया, जिसकी पुष्टि खुद विजय सिन्हा ने की है। विजय सिन्हा ने इस मामले को लेकर बताया कि प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव के अवसर पर विधानसभा भवन शताब्दी समापन समारोह में भाग लेने और बिहार विधायिका को आशीर्वचन प्रदान करने के लिए सहमति दे दी है। इस दौरान ही विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान के चित्र और 5 सामाजिक अभिशापों से मुक्त, वरदानों से युक्त और सम्मानों से पूर्ण परिवार से संबंधित चित्र भी दिया, जिसे देखकर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की। जिले में बाल युवा संसद और बुद्धिजीवियों को सम्मानित करने के कार्यक्रम को भी सराहनीय कदम इस दौरान पीएम मोदी ने बताया। वहीं इस दौरान ही सिन्हा ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी इच्छा है कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत कर बिहार को गौरवान्वित करें। मुलाकात के दौरान विजय सिन्हा ने स्मृति स्तंभ के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री से शताब्दी स्मृति पार्क, अतिथिशाला और विधानसभा के 100 साल के सफर से संबंधित संग्रहालय के शिलान्यास के लिए भी अनुरोध करते देखे गए, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। इन परियोजनाओं की संकल्पना के लिए विधानसभा अध्यक्ष की सराहना भी की। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के शुभारंभ के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना आए थे। समापन पर प्रधानमंत्री ने आमंत्रण स्वीकार किया है। अब उम्मीद है कि वो जल्द ही बिहार आने वाले हैं। जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार विधानसभा पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने विधानसभा परिसर में महाबोधि वृक्ष का पौधा भी लगाया था और बिहार शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास भी किया था। उसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने ये घोषणा की थी कि शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाना चाहते हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से समय मांगा जा रहा था, जो कि अब मिल गया है, जिसके बाद ही अब जल्द ही प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है और बिहार में शताब्दी स्मृति स्तंभ का भी शुभारंभ जल्द ही हो जाएगा, जिससे पर्यटकों को घूमने के लिए एक और जगह मिल जाएगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।